नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो इस कंपनी के जितने चर्चे करूँ उतना ही कम होगा, क्योंकि कंपनी एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करते हैं और ऐसे सेक्टर को कंपनी पकड़ के रखा है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है एंड फ्यूचर में इसका डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले है। तो कंपनी का नाम पहले आप देख चुके हैं, कंपनी का नाम है NTPC, जो एक PSE कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी है। तो आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट भी आ चुके हैं और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्वार्टर वन का रिजल्ट आने के बाद आप जरूर एक बार वीडियो बना के दीजिएगा कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मतलब आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और नया से नया टॉपिक के बारे में जानकारी भी आपके सामने लेके आऊँगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी के सबसे पहले मैं वेबसाइट विजिट करके करने के लिए आया हूँ, तो आप देखेंगे तो NTPC जो है वो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट देखा जाए तो पावर जेनरेट करने वाला कंपनी है। आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप के दो कंपनीज है और उसके बाद पावर ग्रिड है, उसके बाद NTPC है। तो मैं आज बात करूंगा यहाँ पे NTPC के बारे में, क्योंकि NTPC मुझे इस कंपनी में बहुत अच्छा खासा खासियत देखने को मिलता है। फिर भी गवर्नमेंट कंपनी का होने के नाते इस कंपनी का हिस्सेदारी मेरे पास ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल इस कंपनी का हिस्सेदारी मेरे पास है मगर उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते मैं ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनी को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं देता हूँ। हाँ, ये आप कहेंगे सर ये आपका गलती है, हाँ आपके बात भी सही हो सकते हैं, मगर मैं खुद के देखिए सबका इन्वेस्टमेंट नज़रिया अलग अलग होते हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट नज़रिया कुछ अलग है, आपका इन्वेस्टमेंट नज़रिया कुछ अलग हो सकते हैं, तो उसमें आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डिबेट जरूर हो सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे डिबेट नहीं करना चाहता। तो मैं खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी है तो आपको क्या करना चाहिए और उसके बारे में भी बात करूँगा। तो देखिए कंपनी का जो प्रोजेक्ट है देखेंगे तो कोल प्रोजेक्ट, तो कंपनी का मतलब जो कोयला है उससे कंपनी का सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं इस कंपनी। तो कोयला से मतलब कोल प्रोजेक्ट के माध्यम से कंपनी सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है आप देखेंगे तो दूसरा जो प्रोजेक्ट है कंपनी का जो प्रोजेक्ट सेकंड प्रोजेक्ट जो है गैस प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी नेचुरल गैस के माध्यम से कंपनी मतलब पावर जनरेट करते हैं। और तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में ट्रेंडिंग में है, सबसे ज़्यादा पावर इंडस्ट्रीज पावर कंपनीज इसको सबसे ज़्यादा मतलब स्प्रेड कर रहा है, सबसे ज़्यादा मार्केट में फैला रहा है, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस रखे हुए है, वो है सोलर प्रोजेक्ट। क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके मतलब कॉस्टिंग बहुत कम होते हैं और मतलब खर्चे तो देखा जाए तो बहुत कम होते हैं कोल के हिसाब से। देखिए कोयला के हिसाब से मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो बहुत 50% से भी कम है, क्योंकि कोयला बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, कोयला का डिमांड बहुत ज़्यादा है और बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करने से कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि डॉलर के प्राइस भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो एक कॉस्टिंग वहाँ पे ज़्यादा आ जाता है रॉ मटेरियल्स का, मगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही कॉस्टिंग है। बाकी सोलर प्रोजेक्ट आप सभी जानते हैं सोलर के माध्यम से मतलब जो मतलब सोलर के जो प्रोजेक्ट है टोटली जो जो सन है उसके माध्यम से, सन के जो लाइट्स है उसके माध्यम से ही सोलर को कैप्चर किया जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी फोकस रखे हुए है, तो NTPC भी इसके ऊपर फोकस रखे हुए है। और एक कंपनी का प्रोजेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, वो है हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो मैं जरूर कहूँगा 5 साल पीछे चले जाएंगे तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखे थे और हाइड्रो प्रोजेक्ट को वो पावर इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं लेके आए थे, और अभी वो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस रखे हुए हैं। बहुत सारे जो डैम्स है जो बंद हुए पड़े हुए हैं उसको फिर से मतलब रीओपनिंग किया जा रहा है और उसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से हाइड्रो प्रोजेक्ट भी एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है इस कंपनी का। और इस चौथा जो प्रोजेक्ट है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। मुझे इस कंपनी का खासियत में पहले आपको बता चुका हूँ, क्यों खासियत लगा आप जानते हैं, इस कंपनी ने चारों सेक्टर को कैप्चर करके रखा, कोल के ऊपर भी है, सोलर के ऊपर भी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी है, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो सोचिए इस कंपनी का तीन जो प्रोजेक्ट है
वो टोटली इको फ्रेंडली है, जिसके लिए कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी एक्स्ट्रा मतलब कॉस्टिंग भी जो है वो बहुत कम है, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट भी बच जाते हैं। तो ये एक तीन प्रोजेक्ट के कारण कंपनी में बहुत ज़्यादा खासियत देखने को मिला। तो कंपनी लीडिंग पोजीशन में है पावर सेक्टर में, जहाँ पे उन विंड प्रोजेक्ट है, जहाँ पे कोल प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ग्रीन प्रोजेक्ट है और जहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। देखिए, मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, इसीलिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी का जो डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है वो एक कंपनी एक प्रोजेक्ट से थोड़ा सा अर्निंग कम भी आए तो दूसरा प्रोजेक्ट से कंपनी का अर्निंग ज़्यादा हो सकता है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत खासियत मतलब देखता हूँ। तो आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का खासियत जो है मुझे बहुत तगड़ा लगता है, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 1,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। और हाँ, कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। लोगों के मन में क्या आ जाते हैं आप जानते हैं, कि लोग सबसे पहले पी रेशियो को देखते हैं। बहुत सारे लोगों का मन में आ जाता है कि 100 रुपये का पी रेशियो है तो कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन में है, तो इस ऑब्वियसली हाई वैल्यूएशन में जरूर है, तो लोग क्या करते हैं उस कंपनी के ऊपर खरीदारी नहीं करते हैं। मगर आप डीमार्ट जैसे कंपनी आप देखेंगे, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, डीमार्ट कंपनी कभी भी गिरा नहीं, कंटिन्यूसली ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, और उसका मतलब पी रेशियो 100 से भी ऊपर है, 100 से भी ऊपर है, तो फिर भी लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा देना भी पड़े लोग 5-स्टार होटल में भी रहते हैं और 2-स्टार होटल में भी लोग रहते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी कंपनी का पी रेशियो कम दिख रहा है इसका मतलब कंपनी बहुत तगड़ा है, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। और कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है, और कंपनी का देखिए डेप जो है वो 1.56 है। कंपनी का डेप ज़्यादा होगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ गवर्नमेंट कंपनी है, वो डेप लेकर ही काम करते हैं। इसका अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो 17 रुपीज़ के आसपास है, और प्रोमोटर के पास 51% होल्डिंग है। कंपनी का जो टोटली इनकम है करीबन 16,600 करोड़ के आसपास, मतलब एनुअली जो इनकम कंपनी कर रहा है, लास्ट एनुअली इनकम कंपनी किया है 16,600 करोड़ के आसपास। कंपनी के कर्जा भी देखिए 2,10,000 करोड़। यही कंपनी के टोटली वीक पॉइंट्स है और नेगेटिव पॉइंट्स में जरूर कहूँगा, क्योंकि देखिए आप इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश तो करके रखा हूँ मगर उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कंपनी जब हाथ में पैसा जब कर्जे के हिसाब से ज़्यादा कर्जा हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं उस कर्जे को मिटाने के लिए वो खुद के जो स्टेक है वो बेचना चाहते मतलब बेचना चाहते हैं, और जब बेचेंगे और वो भी OFS के माध्यम से, मतलब ऑफर फॉर सेल, तो OFS के माध्यम से बेचेंगे। मान के चलिए इस कंपनी का प्राइसिंग अभी 160 रुपीज़ है, अगर वो OFS के माध्यम से बेचेंगे मान के चलिए वो 140 रुपीज़ में माल बेचना चाहेंगे, तो सस्ते में आपको माल बेचेंगे तो आपका प्राइस भी गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरेगा। तो इसीलिए मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश नहीं करता हूँ, क्योंकि कल जगह इस कंपनी के ऊपर कुछ गड़बड़ी भी हो तो मुझे मेरे पोर्टफोलियो में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेल्स का ग्रोथ है 26% और प्रॉफिट का ग्रोथ भी 9% है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ये सबसे बड़ा खासियत है। और दूसरा खासियत है कंपनी कभी भी पिछले प्रीवियस जो सालों का जो रिजल्ट था उससे कम प्रॉफिट नहीं किया, कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन किया। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा कम हुआ मगर उसको फिर से रिकवरी किया, और लास्ट टाइम कंपनी 16,600 तक कंपनी पहुंच चुके हैं। देखिए सिर्फ कंपनी इनकम कर रहे ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी इनकम करने के बाद मतलब कंपनी जो प्रॉफिट कर रहा है उस प्रॉफिट को लिक्विड के हिसाब से कैश में कन्वर्ट करके कंपनी के हाथ में आ रहा है, मतलब कंपनी जिसको माल बेच रहा है, कंपनी जिसको सर्विसेज दे रहा है, उसमें से पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है। ये भी एक खासियत है कंपनी के लिए। और तीसरी बात, कंपनी का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको जरूर दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का प्रोमोटर देख लीजिए, कितना 54.50% होल्डिंग था, अभी कितना 51% होल्डिंग है, मतलब गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा करके खुद का स्टेक कम कर रहा है। और FS के पास कितना 12% था, अभी कितना 14% होल्डिंग है। DS के पास कितना 30% होल्डिंग था, अभी 31% होल्डिंग है। देखिए FIS ने भी माल उठाए रखा, DS भी उठा कर रखा, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है छोटा मोटा, क्योंकि पब्लिक चांस नहीं मिला ना उसको, क्योंकि FIS DS ने ही तो माल उठा कर रखा है, इसलिए पब्लिक ने जितना भी माल उठाया उतना बहुत कम है, क्योंकि पब्लिक अगर चांस मिलता वो ज़्यादा से ज़्यादा माल उठा लेते, क्योंकि उसको इस तरीके से कंपनी 100-200 के आसपास के कंपनी जो बहुत अच्छा लगता है। तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी तगड़ा है, सिर्फ कंपनी में कर्जा ज़्यादा है, तो यही एक कंपनी का नेगेटिव वीक है। तो कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी देखिए आपको बोनस भी दिया एक बार 1:5 रेशियो का, मतलब 5 शेयर के बदले 1 शेयर आपको दिया हुआ है। बायबैक भी लेके आए थे
कंपनी बायबैक लेके आए थे 115 रुपीज़ में, और वो भी करीबन करीबन 2,500 करोड़ के आसपास। और कंपनी डिविडेंड भी कंटिन्यूसली देते रहते हैं। कंपनी 10 अगस्त में भी फिर से एक बार डिविडेंड दिया, जो इसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने जिस डिविडेंड मिला, मुझे भी डिविडेंड मिला क्योंकि मेरे भी पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो डिविडेंड के चक्कर में आप निवेश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मगर इस कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो कंटिन्यूअसली इसका लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे तो करीबन जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था 150% का रिटर्न दिया। उतना खास चार्ट पैटर्न इसका नहीं है। आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो 2019 से कंटिन्यूअसली गिरते गए, और बहुत बार देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर से एक रेजिस्टेंस टच कर रहा है। मेरे हिसाब से इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ पाएंगे तो फिर से एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर तोड़ नहीं पाएंगे तो फिर से वो गिरावट में माहौल में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।